प्यार और जंग में सब कुछ जायज लगता है, सुनने में काफी रोमांटिक लगता है, पर क्या एक मर्डर को आप जायज मानेंगे? क्या एक डेड बॉडी के बगल में सेक्स करने को आप जायज मानेंगे? या फिर अपना क्राइम छुपाने के लिए किसी को 300 टुकड़ों में काट देने को आप जायज मानेंगे? हेलो एंड वेलकम बैक। आज की कहानी दोस्ती से शुरू होती है, पर ये दोस्ती ऐसे नफरत और ऐसे फरेब को जन्म देती है जिसने एक नहीं 3 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। क्या आप मुंबई शहर के इस इनफेमस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए तैयार हैं? इसके लिए सबसे पहले आपको इस कहानी के 3 किरदारों को जानना होगा। पहला, नीरज ग्रोवर। कानपुर से सपनों के शहर मुंबई आना और अपना नाम बनाना सबके बस की बात नहीं होती है, पर 26 साल के इस नीरज ग्रोवर ने ये चीज मुमकिन किया। वो शाहरुख खान के होस्टेड शो क्या आप 5वीं पास से तेज है जैसे बिग प्रोजेक्ट्स कर चुका था, और नीरज मुंबई के प्रोडक्शन हाउस सिनर्जी एडलैब्स का क्रिएटिव हेड था। दूसरा, मारिया मोनिका सुसेराज, साउथ इंडियन एक्ट्रेस। कन्नड़ फिल्म्स करने के बाद मारिया अब बॉलीवुड में कुछ करना चाहती थी। यहाँ मारिया की दोस्ती नीरज से हुई, दोनों दोस्त बने और नीरज ने मारिया को ऑडिशंस और काम दिलाने का वादा किया। एंड लास्टली, तीसरा, लेफ्टिनेंट एमिली जेरोम मैथ्यू, नीरज की क्लोज फ्रेंड मारिया का फियांसे, एक नेवल ऑफिसर जिसे नीरज और अपने फियांसे मारिया की दोस्ती बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इसकी वजह मारिया खुद थी, क्योंकि उसने मैथ्यू से फोन कॉन्वर्जेशन के दौरान ये कहा था कि उसे लगता है कि नीरज को उस पर क्रश है, लेकिन उसे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। शायद यही से मैथ्यू ने नीरज को एक दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दिया था, पर वो कोचिंग में बैठे बैठे मारिया के लिए खुद कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और मारिया को लगा कि वो बात बस यही खत्म हो गई। इस सब के कुछ ही वक्त बाद 6 मई 2008 को नीरज ग्रोवर अचानक से गायब हो गया, और यही तारीख हमारी आज की कहानी की शुरुआत है। उस रात नीरज के गायब होने से पहले उसे मारिया का फोन आया था। जब उसने अपना फोन उठाया तो मारिया उसे अपने नए अपार्टमेंट को सेट करने के लिए हेल्प मांगती है। नीरज ने पहले उसे मना कर दिया, लेकिन एंड में जब मारिया नहीं मानी तो उसने अपने दोस्त निशांत लाल को मारिया से मिलने और उसकी मदद करने की बात बताई। निशांत नीरज के उन दोस्तों में से एक था जो जानता था कि नीरज और मारिया एक कपल है, और उसने उन्हें किस करते हुए भी देख लिया था। 7 मई 2008 को 11:30 बजे जब निशांत लाल ने नीरज को फोन लगाया तो उसका फोन नीरज ने नहीं, मारिया ने उठाया। उसने कहा कि नीरज अपना फोन उसके घर पे भूल गया है। लाल ने मारिया की बात मान ली, पर जब कुछ वक्त बाद उसे नीरज के कलीग्स और उसके कजन्स का फोन आने लगा और वो सब यही पूछने लगे कि नीरज कहाँ है, तो अब लाल को टेंशन होने लगी। वही दूसरी तरफ सुबह और शाम दिन में 2 बार नीरज अपनी फैमिली से जरूर बात करता था, चाहे कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल भी बात करना मिस नहीं करता था। पर 7 तारीख की सुबह उसके परिवार के कॉल लगाने के बाद भी नीरज उनका फोन नहीं उठाया। उन्हें पहले लगा कि शायद नीरज बिजी होगा, कुछ समय बाद नीरज का फोन आ जाएगा, पर जब ऐसा नहीं हुआ नीरज के माता पिता फौरन कानपुर से मुंबई के लिए निकल गए। उस रात करीब 10:30 के आसपास लाल ने मारिया से भी मुलाकात की थी, जिसे मिलने जाने के बाद करके नीरज ने आखिरी बार उसे अलविदा कहा था। मारिया ने उसे बताया कि नीरज किसी दोस्त से मिलने के लिए गया था। लाल नीरज के करीबन हर एक दोस्तों को जानता था, इसलिए उसने मारिया के दोस्त का नाम पूछा और उसने देखा कि मारिया नाम बताने में झिझक रही थी। नीरज को गायब होकर 24 घंटे होने वाले थे, और इसलिए लाल ने मारिया से उसके साथ चलकर पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने की बात की। इधर नीरज के माता पिता भी मुंबई पहुंच गए थे और पुलिस में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट लिखाई गई और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। आखिरी बार नीरज मारिया से ही मिला था, इसलिए पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट मारिया ही थी। पर मारिया ने जो कहानी लाल को सुनाई थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसने वही कहानी रिपीट की। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था, वक्त पे वक्त बीता जा रहा था। इसी देरी से परेशान होकर नीरज की फैमिली ने मुंबई क्राइम ब्रांच के कमिश्नर
राकेश मारिया को भी हेल्प के लिए अप्रोच किया। नीरज के माता पिता किसी भी हालत में अपने बेटे को ढूंढना चाहते थे, इसलिए वो मारिया के घर भी पहुंचे। पर वहां जाकर जो उन्होंने देखा उससे उनके होश उड़ गए। मारिया ने नीरज को अपार्टमेंट सेटअप करने के लिए बुलाया था, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो पूरा घर खाली था। ना वहां कोई फर्नीचर था और ना ही वहां कोई दूसरा सामान था, और उससे भी अजीब थी उसके घर की एक दीवार। यस, एक लौटी दीवार जिसका पेंट घर की दूसरी दीवारों से अलग था और गीला भी। अगर उसने 6 तारीख को ही शिफ्ट किया तो घर में अभी पेंट क्यों करवाया? लेकिन सबसे अजीब जो चीज थी वो ये थी कि मारिया उस घर में अकेली नहीं थी। मारिया वहां अपने फियांसे मैथ्यू के साथ थी, वो जिससे अभी कोचिन में होना चाहिए था। ये पता चलने के बाद मारिया पे पुलिस का शक और बढ़ गया, और पुलिस ने हर दिन मारिया को पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाना शुरू कर दिया। पर हर दिन पुलिस को मारिया से एक ही जवाब मिलता था, उसे नीरज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। और फाइनली एक दिन उन्हें एक सुराग मिल ही गया। मारिया ने पुलिस को बताया था कि 7 मई को वो अपने फियांसी के साथ टैक्सी लेकर दादर शॉपिंग करने गई थी। सुराग छोटा था, पर पुलिस को नीरज के गायब होने की पहेली का पहला पजल मिल चुका था। उन्हें बस बाकी के पीसेस को उसके साथ जोड़कर नीरज के मारिया से मिलने और गायब होने के पीछे की पिक्चर को कंप्लीट करना था, और पुलिस ने ऐसा किया। सुराग मिलते ही पुलिस ने मारिया के फोन नंबर की लोकेशन को ट्रेस किया, जिससे उन्हें ये पता चल गया कि 7 मई से 20 मई के बीच मैथ्यू ने मारिया को 1000 कॉल किए थे। यस, 1000 कॉल्स। खैर, मारिया की लोकेशन ट्रेसिंग में से वो दादर में नहीं बल्कि अंधेरी में दिखी। जब पुलिस ने इसे लेकर उससे सवाल किया तो मारिया ने बताया कि वो टैक्सी से अंधेरी गई। अंधेरी में उसने अपने फ्रेंड के घर उसकी कॉल ली और फिर वहां उसकी कार में मैथ्यू के साथ शॉपिंग के लिए गई। मारिया ने पहले पुलिस को उस दोस्त का नाम बताया था और दूसरे दिन भूलने का बहाना करके दूसरे दोस्त का। लेकिन जब पुलिस ने उसके दोस्त को फोन किया तो उसने मारिया को कार देने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, मारिया की बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी इस केस की गुत्थी को सॉल्व करने में काफी मदद की। पहले उसने ये कंफर्म किया कि उसने आखिरी बार नीरज को मारिया के घर में घुसते हुए देखा था और बाहर आते हुए नहीं देखा। फिर उसने ये भी बताया कि मैथ्यू सुबह 7:30 बजे बिल्डिंग के गेट पर आया था और वॉचमैन के लाख बार रजिस्टर में अपना नाम एंटर करने की रिक्वेस्ट के बावजूद भी खुद को मारिया का कजन बताकर रजिस्टर में एंट्री नहीं कर रहा था। और तीसरी और सबसे बड़ी चीज, उसी दिन वॉचमैन ने मारिया और मैथ्यू को काली प्लास्टिक बैग्स में कुछ बहुत ही हेवी उठाकर नीले रंग की कार की डिक्की में डालते हुए देखा था। एंड इतने सबूत पुलिस के लिए काफी थे। पुलिस ने मारिया को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट होते ही 28 मई को मारिया ने पुलिस को कन्फेशन दिया, जो सुनकर पुलिस खुद भी हैरान थी। मारिया ने क्लेम किया कि उसने नीरज को नहीं बुलाया था, नीरज खुद जबरदस्ती उसके घर आया था। 11:30 बजे के करीब जब मारिया ने मैथ्यू से बात की तो उसने उसे बताया कि नीरज उसके घर पे है। इसके बाद उसकी बैटरी डेड हो गई और इसलिए मैथ्यू ने नीरज के फोन पे कॉल करके मारिया से बात की, जहां मारिया ने उसे बताया कि नीरज काफी फनी बिहेव कर रहा है। जब मैथ्यू ने उसे पूछा कि क्या वो वहां आए तो मारिया ने उसे ये कहकर बात टाल दी कि वो डिनर करके चला जाएगा। पर दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे जब उसके दरवाजे को कोई जोर जोर से पीट रहा था और उसने दरवाजा खोला तो वो खुद मैथ्यू को दरवाजे पे खड़े देखकर हैरान हो गई। वो उसे कुछ कहती उससे पहले उसने मारिया को धक्का दिया और अंदर रूम में गया, जहां नीरज ऑलमोस्ट बिना कपड़े के बेड में लेटा हुआ था और वो भी दरवाजे के शोर से उठ गया था। इसके बाद दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो गई और इस बीच में उसने किचन से लाए चाकू से नीरज के पेट पर वार कर दिया, एक बार नहीं कई बार, जिससे नीरज की तड़प तड़प के मौत हो गई। और दीवार से रूम में मौजूद हर चीज पे नीरज की खून के छींटे फैल गए। पर इसके बाद भी मैथ्यू के सर पर सवार खून कम नहीं हुआ। उसने मारिया के साथ चाकू की नोक पर नीरज के डेड बॉडी के बगल में उसके साथ सेक्स किया और फिर बाथरूम में। इस सब के बाद मैथ्यू ने उसे मॉल ले जाकर बड़ा चाकू, प्लास्टिक बैग और एयर फ्रेशनर जैसी चीजें लेने के लिए कहा। चाकू से नीरज की बॉडी के 300 टुकड़े किए
और प्लास्टिक बैग में उसे भरा और एयर फ्रेशनर से रूम को साफ करके खून के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। इसके बाद मैथ्यू के कहने पे मारिया ने अपने एक दोस्त से उसकी कार मांगी। दोनों अंधेरी जाकर कार लाए और फिर कार में प्लास्टिक बैग्स भरकर जंगल ले जाकर उन्हें नीरज की डेड बॉडी के जो पीसेस थे उसे जला दिया। मारिया ने अपने कन्फेशन में कहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए चुपचाप सब कुछ सहती रही। इसी कन्फेशन के बेसिस पर कोर्ट ने मारिया पे मर्डर की नहीं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के चार्जेस लगाकर उसे सिर्फ 3 साल की जेल में रहने की सजा दी। और मैथ्यू जो खुद मारिया पे मर्डर का इल्जाम लगा रहा था, जिसका कहना था कि उसके कोचिन से मुंबई पहुंचने से पहले ही मारिया ने नीरज को मार दिया था, उसे केस में 13 साल की जेल मिली। एंड इस सब के बावजूद भी मैथ्यू के स्टेटमेंट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना ही किसी ने मारिया के स्टेटमेंट को रीचेक करना जरूरी समझा, जिसमें कई लूपहोल्स हैं। जब उसने कहा कि नीरज डिनर करके जाने ही वाला है तो उसने उसे घर से क्यों नहीं भेजा? मारिया ने कहा था कि मैथ्यू ने नीरज के फोन पे कॉल करके उससे बात की। क्या मैथ्यू ऑलरेडी नीरज के कॉन्टैक्ट में था? मारिया ने अपने कन्फेशन में ये क्लियर नहीं किया था कि मैथ्यू को नीरज कौन से रूम में मिला। पर सबसे बड़ा लूपहोल ये है, अगर मारिया को जान का खतरा था तो जब मैथ्यू उसे मॉल में लेकर गया तो वो वहां से भाग के क्यों नहीं निकल गई? अगर वो इतनी इनोसेंट थी तो उसने पुलिस की मदद क्यों नहीं ली? क्या सच में मारिया इनोसेंट थी और मैथ्यू की एक्सट्रीम जेलिसी ने नीरज की जान ली थी? या फिर नीरज सिर्फ मारिया के बॉलीवुड ड्रीम्स को पूरा करने की एक सीढ़ी था, जिससे काम निकल जाने के बाद मारिया ने खत्म कर दिया? वेल, इन सारे सवालों का आज तक कोई जवाब नहीं है। यही वजह है कि ये केस सॉल्व होकर भी आज तक एक मिस्ट्री है।